हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सक्सेस सीडीज एजुकेशन। आई एम रुचिका और आज के इस वीडियो में हम लेटेस्ट जीके और करंट अफेयर्स की क्विज देखेंगे, जहां पर हम 11 से 17 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। इसी ड्यूरेशन के करंट अफेयर्स का हमने एक फ्री पीडीएफ कंपाइल किया है, जहां पर हमने सारे करंट अफेयर्स की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी दी है। उस फ्री पीडीएफ को आप इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ये फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपने करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम 25 क्वेश्चंस की एक करंट अफेयर्स क्विज देखते हैं और आप अपनी नॉलेज को जज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, विच इज इंडियाज नेशनल एक्वेटिक एनिमल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन अगस्त 15 अनाउंस्ड अ प्रोजेक्ट फॉर इट्स कॉन्जर्वेशन। तो इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? इसी एनिमल की कॉन्जर्वेशन के लिए 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक नया प्रोजेक्ट भी अनाउंस किया है। इन चार ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर टू, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन अगस्त 15 अनाउंस दैट द टास्क टू कनेक्ट इंडियाज ओवर 6 लाख विलेजेस विद ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क विल बी कम्प्लीटेड इन द नेक्स्ट डैश डेज। तो ये जो प्रोजेक्ट है जिसमें भारत के 6 लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया जाएगा, ये कितने दिनों में कंप्लीट होगा? आंसर है 1000 डेज। अंडर स्वच्छ भारत मिशन SLWM इज, तो SLWM का फुल फॉर्म क्या है? आंसर है सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टेकन फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव्स एसोसिएशन विद द सेंट्रल वाटर कमीशन ओवर द पास्ट सेवरल मंथ्स इन द कंट्री। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव एसोसिएशन को टेकअप किया है सेंट्रल वाटर कमीशन के साथ? आंसर है गूगल। तो गूगल ने ये इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने सेंट्रल वाटर कमीशन के साथ फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव शुरू किए हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन अगस्त 14 हेल्ड एक्टिविस्ट लॉयर डैश गिल्टी ऑफ कॉन्टेम्प्ट फॉर हिज 2 डेरोगेटरी ट्वीट्स अगेंस्ट द जुडिशरी। तो इनमें से कौन से सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एक्टिविस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने गिल्टी करार दिया है क्योंकि उन्होंने ट्वीट्स दी हैं जो जुडिशरी के अगेंस्ट हैं? उनकी ट्वीट्स में जुडिशरी के खिलाफ और डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स बनाई गई हैं, जिस वजह से उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट के लिए गिल्टी अनाउंस किया गया है। तो वो लॉयर का नाम है ऑप्शन डी, प्रशांत भूषण। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम ओनली द थर्ड अरब नेशन आफ्टर जॉर्डन एंड इजिप्ट टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज विद इसराइल इन अगस्त। जॉर्डन और इजिप्ट के बाद जो तीसरा अरब नेशन है जिसने इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश किए हैं, उसका नाम क्या है? आंसर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो पहला देश है जॉर्डन, दूसरा देश है इजिप्ट और तीसरा देश है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिन्होंने इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस शुरू किए हैं। द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ऑन अगस्त 14 रीसाउंडिंगली डिफीटेड अ यूएस रेजोल्यूशन टू इनडेफिनेटली एक्सटेंड द यूएन आर्म्स एम्बार्गो ऑन डैश। यूएस ने रेजोल्यूशन पास किया था कि किसी एक कंट्री को, इन चारों में से कौन सी कंट्री को जो यूएन आर्म्स एम्बार्गो है उसे इनडेफिनेटली एक्सटेंड किया जाएगा। इस रेजोल्यूशन को 14 अगस्त को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने डिफीट किया है। तो ये कौन से कंट्री का आर्म्स एम्बार्गो है? आंसर है ईरान का। यानी कि यूएसए ने ये रेजोल्यूशन पास की थी कि जो यूएन आर्म्स एम्बार्गो इम्पोज किया गया है ईरान पे, उसे इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर दिया जाएगा, लेकिन इस रेजोल्यूशन को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने डिफीट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सार्क कंट्री ऑब्जर्व नेशनल मॉर्निंग डे ऑन अगस्त 15, 2020। आंसर है बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, विच कंट्री हैज सेट अप द अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना टास्क फोर्स टू इन्वेस्टिगेट UFO साइटिंग्स। जितने भी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यानी कि UFOs साइट किए जाते हैं, देखे जाते हैं, उन्हें इन्वेस्टिगेट करने के लिए इनमें से किस कंट्री ने ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की है? अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना टास्क फोर्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म है UAPTF। तो ये UAPTF ऑर्गेनाइजेशन इनमें से किस कंट्री ने लॉन्च की है? आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड क्लीन योर प्लेट कैंपेन दैट कॉल्स फॉर द पब्लिक टू स्टॉप वेस्टिंग फूड।
खाने की जो वेस्टेज है उसे कम करने के लिए, उसे एंड करने के लिए किस कंट्री ने क्लीन योर प्लेट कैंपेन लॉन्च किया है? आंसर है चाइना ने. व्हाट इज द नेम गिवन टू द कोरोना वायरस वैक्सीन डेवलप्ड बाय रशिया इन अगस्त? तो अगस्त 2020 में रशिया ने कोरोना वायरस का वैक्सीन डेवलप किया है, उस वैक्सीन का नाम क्या है? आंसर है स्पुटनिक 5. क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. विच पार्टी अनाउंस्ड कमला हैरिस एज इट्स कैंडिडेट फॉर वाइस प्रेजिडेंट इन फॉरथकमिंग US प्रेजिडेंशियल इलेक्शन? आने वाले US प्रेजिडेंशियल इलेक्शन में वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए कौन सी पार्टी ने कमला हैरिस को अपना कैंडिडेट चुना है? आंसर है डेमोक्रेटिक पार्टी. यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह सेड ऑन अगस्त 14 दैट ISRO's चंद्रयान 2 ऑर्बिटर हैज कैप्चर्ड द मून इमेजेस ऑफ अ क्रेटर नेम्ड आफ्टर डैश. ISRO के चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने किस क्रेटर की इमेजेस, कौन सा क्रेटर जो मून पर लोकेटेड है उसकी इमेजेस कैप्चर की हैं? आंसर है विक्रम साराभाई. तो ये जो क्रेटर है मून पे, इसका नाम विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है. इसी की इमेजेस चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने ली हैं. द ड्वार्फ प्लैनेट सेरिस लाइज इन द मेन एस्ट्रॉयड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड डैश. तो ये जो ड्वार्फ प्लैनेट है सेरिस, ये मार्स और कौन से प्लैनेट के बीच में जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है उसमें लाई करता है? आंसर है जुपिटर. तो मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है, एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स लोकेटेड हैं, उसी बेल्ट में ये ड्वार्फ प्लैनेट सेरिस भी लोकेटेड है. चीफ साइंटिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सौम्या स्वामीनाथन वॉज ऑन अगस्त 15 कॉन्फर्ड विद द डैश चीफ मिनिस्टर स्पेशल अवार्ड. 15 अगस्त को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन को कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर का स्पेशल अवार्ड दिया गया? आंसर है तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर स्पेशल अवार्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन 16. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन वॉज लॉन्च टू एस्टैब्लिश इंडियन कंट्रोल ओवर सियाचिन ग्लेशियर इन 1984 में सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर भारत का कंट्रोल लॉन्च करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चालू किया गया था? आंसर है मेघदूत. द RBI ऑन अप्रैल 14 सेड इट्स सेंट्रल बोर्ड हैज अप्रूव्ड अ डिविडेंड पे आउट ऑफ डैश टू द गवर्नमेंट फॉर 2019-20. 2019-20 के लिए RBI के सेंट्रल बोर्ड ने भारतीय सरकार को कितना डिविडेंड पे आउट दिया है? इसका आंसर है ₹57,128 करोड़. TIFAC इज एन ऑटोनमस सोसाइटी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. विच ऑफ द फॉलोइंग इन द एब्रिवेशन TIFAC इज नॉट मैच्ड करेक्टली. अब TIFAC के फुल फॉर्म में इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत मैच किया गया है? आंसर है F फॉर फाइनेंशियल. विच कंपनी हैज बीन गिवन कॉन्ट्रैक्ट बाय द गवर्नमेंट टू सप्लाई 106 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट फॉर द इंडियन एयरफोर्स? भारतीय वायुसेना के लिए 106 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट किस एजेंसी को दिया गया है? आंसर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स. स्टूडेंट्स, अगर आप इनमें से किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी उस फ्री PDF में, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. इसलिए प्लीज़ वो फ्री PDF डाउनलोड कीजिए और अपनी करंट अफेयर्स की नॉलेज को अपडेट कीजिए. क्वेश्चन नंबर 20. विच IIT साइंड एन MOU विद डिफेंस PSU BEML फॉर डेवलपमेंट ऑफ अनमैंड एरियल व्हीकल्स इन अगस्त 2020? अगस्त 2020 में अनमैंड एरियल व्हीकल्स, जिन्हें UAVs भी कहा जाता है, उनकी डेवलपमेंट के लिए कौन सी IIT ने डिफेंस PSU BEML के साथ एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? आंसर है IIT कानपुर. विच इज द हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन कंपनी इन फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट लॉन्च्ड इन अगस्त 2020? द कंपनीज आर रैंक्ड बाय टोटल रेवेन्यूज फॉर द रिस्पेक्टिव फिस्कल ईयर्स एंडेड ऑन और बिफोर मार्च 31. तो ये रैंकिंग का प्रोसीजर है, जो टोटल रेवेन्यू होता है उसके बेसिस पर रैंकिंग की जाती है. और इंडियन कंपनीज की लिस्ट में, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनीज की लिस्ट में हाईएस्ट रैंक कंपनी कौन सी है? आंसर है रिलायंस इंडिया लिमिटेड. क्वेश्चन नंबर 22. विच इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट रैंक कंपनी इन फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट लॉन्च्ड इन अगस्त? तो वर्ल्ड की लिस्टिंग में हाईएस्ट रैंक कंपनी कौन सी है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में? आंसर है वॉलमार्ट.
क्वेश्चन नंबर 23, इंडियाज डैश हैज पार्टनर्ड विद यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट फॉर द वुमेन्स ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी इनिशिएटिव। तो ये जो इनिशिएटिव है WGDP, वुमेन्स ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव के लिए USAID के साथ कौन सी कंपनी ने पार्टनरशिप की है? आंसर है रिलायंस फाउंडेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड एन इंफ्रास्ट्रक्चर एट रिहैंड प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश टू ट्रांसपोर्ट फ्लाई ऐश एंड बल्ब टू सीमेंट प्लांट्स एट अ चीपर कॉस्ट। उत्तर प्रदेश में लोकेटेड रिहैंड प्रोजेक्ट में कौन से कंपनी ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है जिसके थ्रू वो सस्ती फ्लाई ऐश सप्लाई करेंगे सीमेंट प्लांट्स को? इसका आंसर है NTPC। डैश ऑन ऑगस्ट 14 लॉन्च्ड शौर्य KGC, दैट इज किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड, अ लोन प्रोडक्ट फॉर द आर्म्ड फोर्सेस। तो आर्म्ड फोर्सेस के लिए कौन से बैंक ने 14 अगस्त को शौर्य KGC नाम का लोन प्रोडक्ट लॉन्च किया है? आंसर है HDFC बैंक। इसके साथ ही हम इस सेशन ऑफ करंट अफेयर्स क्विज के एंड पर आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर चैनल सक्सेस CDs एजुकेशन, एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड योर फ्री कॉपी ऑफ PDF ऑफ करंट अफेयर्स फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।